हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल इजी इंग्लिश लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फ्रेड टेनिसन का यूलिसिस। यूलिसिस पहली बार पब्लिश हुआ था 1842 में। टेनिसन यूलिसिस को लिखते हैं अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त के निधन के बाद, जिनका नाम है आर्थर हेनरी हैलम। ये भी एक पोएट हैं। टेनिसन का इनके साथ काफी स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है और इसमें ये एक्सप्रेस करते हैं कि किसी के खो जाने के बाद, किसी के जाने के बाद कैसे इंसान को आगे बढ़ना है, ठीक है, लाइफ को फेस करना है। इसी बात को वो बताने के लिए यूलिसिस का एग्जांपल लेते हैं, और जो एक लीजेंडरी हीरो है, और यहाँ पे उसी लीजेंडरी हीरो के बारे में होमर ने भी अपने ओडिसी में बताया है, और साथ ही दांते ने 26 कैंटो ऑफ द इन्फर्नो में से एक्सप्लेन किया है। यूलिसिस एक ड्रामाटिक मोनोलॉग है, और यूलिसिस जो है ट्रोजन वॉर लड़ने के बाद अपने आयलैंड स्टेट ऑफ इथाका 20 वर्षों के बाद लौटा है। ये जो पोयम है वो वार से लौटने की बाद की कहानी है। यूलिसिस अब आराम का लाइफ जी रहा है, एकदम शांत, लेकिन वो लाइफ उसे पसंद नहीं आ रही है। वो कहता है कि मैं इस लाइफ से थक गया हूँ, मैं दोबारा जाना चाहता हूँ सेल करने के लिए। और वो अपने सेलर को एड्रेस करता है, अपने कंपेनियन को एड्रेस करता है कि लाइफ में ट्रेवल और एडवेंचर बहुत जरूरी है और मुझे वो दोबारा करना है। ये जो पत्थर से बना ये जो आइलैंड है, ये मेरे लिए बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है, और अगर मैं ऐसे ही सोता रहूं और खाता रहूं तो मेरा जो लाइफ है किसी जानवर के लाइफ के जैसा ही हो जाएगा, और मैं ऐसा लाइफ बिल्कुल नहीं चाहता। मैं बिना ट्रैवल किए, बिना एडवेंचर किए मैं ऐसे चुपचाप से नहीं बैठ सकता, दिस इज नॉट माय लाइफ। वो क्या करना चाहते हैं, अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अपने लाइफ को फुल ऑफ एडवेंचर से भर देना, ठीक है। ये अपने खुद में बहुत ही फेमस हैं, और उन्होंने बहुत सारे शहरों को, बहुत सारे लोगों से मिला है और बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है। यूलिसिस ट्रैवल किए हैं, बहुत दूर दूर ट्रैवल किए हैं, बहुत सारे कंट्रीज में ट्रैवल किए हैं, और बहुत सारे लोगों को जानते हैं, बहुत सारे कल्चर को जानते हैं, लेकिन अभी भी उनमें घूमने का, एडवेंचर करने का हंगर है, और अभी तक वो सेटिस्फाइड नहीं है, और वो दोबारा बार बार वो सेल करना चाहते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस और ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। वो अपने सेलर्स को कहते हैं कि अभी तक जो भी एक्सपीरियंस वो लिए हैं वो अभी भी पूरा नहीं है, अभी भी बहुत सारा रीजन है जो अनएक्सप्लोर्ड है, जहां से हमें नॉलेज लेना है, जहां से हमें एक्सपीरियंस लेना है, ठीक है। द मोर ही ट्रेवल द मोर एक्सपीरियंस ही गेन। नॉलेज बोलते हैं, नॉलेज जो है वो लिमिटलेस है और इसका एंड कभी नहीं है। लाइफ का एंड है लेकिन नॉलेज का एंड नहीं है, और अगर वो अपने लाइफ को इथाका में रखते हैं तो उनका लाइफ जो है वो यूजलेस हो जाएगा, और वो मेंटली डल हो जाएंगे, फिजिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, जैसे कि एक सोर्ड को अगर यूज ना किया जाए तो उसमें जंग लग जाती है, वैसे ही उनका लाइफ में जंग लग जाएगा। रियल लाइफ जो है वो चुपचाप से सांस लेना नहीं है, बल्कि कुछ काम करना है। यूलिसिस कहते हैं कि नॉलेज जो है इनफाइनाइट है, ह्यूमन लाइफ है शॉर्ट है, और अब उसके पास कुछ साल जो बचे हुए हैं वर्ष को, वो और ज्यादा नॉलेज और ज्यादा एक्सपीरियंस को गेन करने में लगाना चाहता है। यूलिसिस और क्या चाहता है कि वो अपने लाइफ के अंतिम क्षण तक वो नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है, जैसे कि एक टूटता तारा लाइट तब तक देता है जब तक कि वो पूरा डूब ना जाए, वैसे ही वो भी हैं। और यहाँ पे वो पूरा लाइफ टाइम नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं। अब वो बोलते हैं कि अब वो, हालांकि वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास हालांकि मात्र 2 से 3 वर्ष ही बचे हैं, और ये 2-3 वर्ष को वो और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, और ज्यादा एडवेंचरस बनाना चाहते। किंग यूलिसिस डिटरमाइंड है कि वो अपने किंगडम को छोड़ के चले जाएंगे अपने बेटे टेलेमैकस के ऊपर छोड़ करके। वो जानते हैं कि उसके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और वो अच्छा सक्सेसर बनेगा, अपने राज्य का अच्छे से देखभाल करेगा। हालांकि टेलेमैकस अपने फादर
यूलिसिस का 20 वर्षों से वेट कर रहा है कि वो आएंगे और अपना राज्य का देखभाल करेंगे। लेकिन वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि जो टेलेमेकस है वो अब इतना बुद्धिमान है कि अपने ड्यूटीज को वो अच्छे से निभा सकता है और वो सिविलाइज्ड है और अनसिविलाइज्ड लोगों को वो धीरे धीरे सिविलाइज कर देगा। और साथ में ही वो अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हैं और साथ ही वो चाह रहे हैं कि उनका जो बेटा है टेलेमेकस वो भी अपना काम करे। और वो कैसे काम करेगा? His son Telemachus will perform the ordinary duties and जो Ulysses है वो अपना जो है वो सेलिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। Ulysses अपने सेलर्स को एनकरेज करता है और बोलता है कि हमने खुशी खुशी बहुत सारे खतरों का सामना किया है और बूढ़े हो गए, खतरों का सामना करते करते बूढ़े हो गए, बट मरने से पहले हम चाहते हैं कुछ और फ्रेश एडवेंचर करने के लिए और कुछ अच्छा अच्छा अचीव करने के लिए। और ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से जो गॉड हैं वो ट्रोजन के साथ वार लड़े थे, वार ऑफ ट्रॉय, और यूलिसिस और उसके जो फॉलोवर हैं वो भी बैटल को लड़े थे गॉड के साथ इन द ट्रोजन वार। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा ब्रेव होंगे, ठीक है। यूलिसिस डिटरमाइन कर लेता है कि उसे वेस्टर्न होरिजोन के पार जाना है। वेस्टर्न होरिजोन बोलता है कि वहां तक उसे पहुंचना है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, वो आखिरी अपने अंतिम सांस तक वो ट्रैवल करना चाहता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी वो बताया है कि जैसे टूटता तारा अपने आखिरी दम तक प्रकाश देता है, लाइट देता है, वैसे ही ये भी वैसे ही होना चाहते हैं। वो यूलिसिस इमेजिन करता है कि जो समुद्र है उसके गहराई से कुछ तरंगे आ रही हैं, कुछ संकेत देना चाहता है, और उसका जो शिप है वो वेव्स को, जो लहरें हैं समुद्र की, उसको टकराते हुए आगे बढ़ रहा है। किधर की ओर? तो वेस्टर्न ओरिजिन की ओर, जहाँ पे सन जो है सूर्य डूब जाता है, जहाँ पे स्टार्स डूब जाते हैं वहां तक जाना चाहता है। और हो सकता है कि समुद्र उसको डुबा दे, लेकिन हो सकता है एक और पॉसिबिलिटी है कि वो वहां पहुंच जाए जहां पे डेड हीरोज ने वहां पे अपना घर बनाया था उस वेस्टर्न ओशन में, और वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो अपना एक्सपीरियंस को और ज्यादा उसको बढ़ाना चाहते हैं। और ह्यूमन का एक फेट है टू ग्रो ओल्ड विथ एज, ठीक है, आदमी समय के साथ क्या होता है, बूढ़ा होता है। लेकिन वो चाहे तो डिटरमाइन हो सकता है, वो चाहे तो अपना इफर्ट और ज़्यादा कर सकता है, किस मामले में, सर्च के मामले में, टू फाइंड आउट न्यू लैंड, कुछ नया खोजने में, और इस तरह से उसको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है। जब तक वो खुद नहीं हार मान जाता है कोई इंसान, तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। और यही पोयम में पोएट कह रहा है यूलिसिस के माध्यम से। भले वो खो दिया है अपने फ्रेंड को, लेकिन वो बोलता है कि जब तक मैं हार नहीं मानूंगा तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता है। तो यहाँ पे इसी के साथ ये जो पोयम है वो खत्म होता है। और यहाँ से जो फाइनल जो एक नोट निकलता है वो ये कि आप जब तक हार नहीं मानते तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। थैंक यू।